दोस्तों, ये तो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव की घोषणा तो हो चुकी है। देश का हर एक नागरिक इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक है। भारत पूरी दुनिया में अपने लोकतंत्र मूल्यों और आदर्शों के लिए जाना जाता है। किसी भी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य होता है, एसेंशियल होता है। साथ ही ये भी अवश्य होता है कि सभी राजनीतिक दल के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड यानी समान लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सभी के पास समान रूप से संसाधन हो। ये नहीं कि जो सत्ता में है उनका रिसोर्सेस पर मोनोपोली हो, ये नहीं कि उनका मीडिया पर एक अधिकार हो, ये नहीं कि सत्ताधारी दल का संवैधानिक तथा न्यायिक संस्था जैसे आईटी, ईडी, इलेक्शन कमीशन, इन अपने दूसरे ऑटोनोमस बॉडीज पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष नियंत्रण हो। दुर्भाग्य से जो पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो इलेक्ट्रल बॉन्ड, चुनावी चंदा बॉन्ड के बारे में जो तथ्य निकलकर सामने आए, वो बहुत ही चिंताजनक है, शर्मनाक भी है, क्योंकि इससे हमारे देश के छवि को ठेस पहुंची है। हमारे देश ने पिछले 70 सालों में निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ लोकतंत्र की छवि बनाई थी, उस पर प्रश्न चिन्ह आज उठ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने